हे बड़ी व्हाट्सअप, फिर से हम इस वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम आपके कमेंट्स का आंसर देते हैं और आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऋषि सेंगर, मेरे चैनल यूट्यूबर एक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं गाइस। तो इसी तरह से गाइस, जो हम वीडियो की शुरुआत में फर्स्ट कमेंट को पिक करते हैं, वो आता है हमारे पास शाहरुख शेख जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं शायद उन्होंने यहाँ पर सेकंड हैंड आईफोन 5s बाय किया है। तो वो यह बोलते हैं आईफोन 5s बाय करने के साथ उसका बैटरी बैकअप बहुत कम देखने को मिलता है, और उसके अलावा जब उन्होंने किसी से पूछा कि इसका बैटरी बैकअप कम क्यों है, तो वो यही बोलता कि इसका बैटरी बैकअप इतना ही आता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहली बात तो 2019 के हिसाब से आईफोन 5s बेटर नहीं है, उसके साथ साथ तो उसका बैटरी बैकअप इसलिए कम होता है बिकॉज उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो आपके लिए 1300 mAh के करीब देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से बैटरी बैकअप ऑलरेडी 4 to 5 hours के अप्रोक्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर वो यूज्ड स्मार्टफोन है तो उसकी बैटरी हेल्थ तो और डाउन हो चुकी होगी, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें तो अगर आप स्मार्टफोन यही रखना चाहते हैं तो बैटरी को रिप्लेस करवा लें, जिससे आपके लिए अप्रोक्स 4 to 5 hours के अप्रोक्स देखने को मिल जाए। इसके अलावा इसको रिप्लेस कर सकते हैं आईफोन 6s से, जो आपके लिए 2019 में बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस हमारे पास दिलीप पटेल जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन में जो अकाउंट सेटअप होता है वो गूगल से चल जाएगा या दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नहीं दिलीप जी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये iOS डिवाइस है, इसमें आपके लिए एप्पल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पर स्मार्टफोन रन होगा, और उसके बाद यहाँ पर गूगल आईडी का सपोर्ट नहीं होता है जैसा कि आपके लिए प्ले स्टोर में देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा कि आप एप्पल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपके लिए प्रिकॉशन बताऊंगा जिसमें आपके जो मनी हो वो अच्छे से सेफ रहे, क्योंकि यहां पर कुछ पेड एप्स भी होती हैं जो कि लोग वहां पर परचेज कर लेते हैं, बाद में उनके लिए वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस मन धुनचक की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन 6 आज के टाइम पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। तो गाइस, मैं इस पर डिटेल वीडियो किस बात पे बनाऊं, आईफोन 6 मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने थोड़ी बहुत बात करी थी कि आपके लिए आईफोन 6 2019 के हिसाब से बेटर नहीं है बिकॉज उसमें आपके लिए लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बहुत सारे फीचर्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसका बैटरी बैकअप भी बहुत कम है इन द कंपेरिजन देन अदर आईफोन्स। इसके अलावा गाइस 2014 का डिवाइस है, बहुत ही पुराना डिवाइस हो चुका है, 2019 के हिसाब से वो बेटर नहीं है। तो आप थोड़ा और बजट बढ़ा के आईफोन 6s के लिए जा सकते हैं जो 2019 के हिसाब से बेस्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस ऋतिक शुक्ला जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं उन्होंने आईफोन 6s बाय किया है 2 वोल्ट से, उसकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी देखने को नहीं मिली और वो ऐसा बोलते हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने पहले भी यही बोला था कि 2 वोल्ट पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को आ सकती है, इसी वजह से मैं 2 वोल्ट पर अब ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूं। जब तक वहां पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, जब तक हमारे लिए प्रोडक्ट क्वालिटी 100% अच्छी नहीं मिलती है, तब तक मैं आपके लिए वहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी भी अगर आप आईफोन को कम दाम में लेना चाहते हैं तो 2 वोल्ट पर ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, तो वहां पर आप रिप्लेस या रिटर्न करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, 1-2 बार में आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप बहुत ही सेव करके मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, आप थोड़ा और रुकें, या तो EMI पे स्मार्टफोन बाय कर लें या थोड़ा और रुकें, बहुत ही अच्छे आईफोन आपके लिए डील्स में देखने को मिल जाते हैं, फिर वो दिवाली का ऑफर हो या कोई सा भी ऑफर हो, ताकि अभी आईफोन 6s आपके लिए 21,000 में देखने को मिला तो वो एक बेस्ट डील थी बजट आईफोन के रूप में। इसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट आता है वो आता है हमारे पास तुषार मित्रा जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन X 2020 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उनका मतलब ये है कि आज अगर वो आईफोन X लेते हैं तो उनके लिए 2 साल तक के अपडेट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आईफोन X इज बेटर डील इन 2019, वो 2019 में भी अच्छा है, 2020 में भी आपके लिए परफॉर्मेंस अच्छी देगा और 2021 में भी आपके लिए चांसेस हैं यहाँ पर अपडेट देखने को, बिकॉज एप्पल 5 ईयर्स तक अपडेट देता है स्मार्टफोन में। तो यह स्मार्टफोन 2017 में लॉन्च हुआ, तो 17 से लेकर आपके लिए 21 तक अपडेट देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आईफोन में आपके लिए 3GB की रैम मिलती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे यह भी आईफोन X के द्वारा सूट हो रही है, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बाय किया था, तो आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आईफोन X में भी। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आईफोन X में अपडेट देखने को मिलेंगे 2021 तक, इसलिए आपके लिए बेटर डील हो सकती है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस अली मुस्तफा जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन का क्लोन लेना सही है या नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप आईफोन का क्लोन मत लीजिए, बिकॉज क्लोन लेने का कोई भी फायदा नहीं होता है। मैंने मार्केट को देखा है कि जो क्लोन की प्राइस है वो भी लोग बोलते हैं 5,000, 10,000 और 15,000 के अप्रोक्स। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इतनी प्राइस में आपके लिए आईफोन 5S मिल जाता है। अगर आपके लिए सिर्फ क्लोन लेना है, क्लोन मतलब एप्पल को शो ऑफ करना है, तो उस एप्पल के शो ऑफ के लिए आप जा सकते हैं आईफोन 5S और आईफोन 6 के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईफोन 6S के लिए, बट क्लोन मत लीजिए। आईफोन 5S आपके लिए 5,000 में देखने को मिल जाएगा, पहले iOS का यूज कर सकते हैं, बट क्लोन में आपके लिए ना तो कोई ब्रांड वैल्यू मिलती है और ना कोई स्मार्टफोन में आपके लिए परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और कोई भी यहां पर टाइमिंग नहीं होती है कि वो कितने दिन आपके लिए परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट कमेंट आता है गाइस राज सोम जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं उनको आईफोन 7 128 GB की लाइटनिंग कैटेगरी की अनबॉक्सिंग देखना है। उन्होंने 3-4 बार कमेंट किया है बट मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया हूं किसी वजह से, तो इसीलिए मैं उनसे यही बोलूंगा कि आईफोन 7 रेड कलर का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो मैंने बहुत ही पहले अपलोड करा था। इसके साथ साथ आज लाइक न्यू कैटेगरी का बाय मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज मेरा काम है यहां पर आपके लिए उस कैटेगरी से इंट्रो करवाना, फिर वो आईफोन 6S हो या कोई सा भी हो, आपके लिए बताना कि आपके लिए इसमें किस तरह की कैटेगरी देखने को मिलती है। अभी मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि सेलबडी के प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकूं, तो इसी वजह से आईफोन 7 की वीडियो ला पाना मुश्किल है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आईफोन 7 सुपर कैटेगरी की ला चुका हूं और लाइक न्यू में यहां पर मैं आईफोन 6S की ला चुका हूं। तो जिस तरह की 6S की है उसी तरह आपके लिए 7 की परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है टू वुड पर। उसके साथ साथ सेकेंडरी मैं कोशिश जरूर पूरी करूंगा, बट मैं यहां पर आईफोन 7 रेड कलर की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और लाइक न्यू कैटेगरी आईफोन 6S की अपलोड कर चुका हूं, तो इसी वजह से आईफोन 7 की आने में थोड़ा बहुत वक्त लग रहा है। यही था एक छोटा सा कमेंट सेशन जिसमें हमने कुछ कमेंट्स को पिक किया, उनके डाउट्स को पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे जिनमें बोलते हैं आप लोग की सेलबडी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसके साथ साथ कुछ लोग बोलते हैं आईफोन 7 की वीडियो चाहिए, आईफोन 8 की वीडियो चाहिए, आईफोन 7 प्लस की वीडियो चाहिए, तो वो सारी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह की वीडियो बोलते हैं कि आईफोन 7 लाइक न्यू कैटेगरी, तो मेरा काम है यहां पर कैटेगरी को आपसे इंट्रो करवाना कि किस कैटेगरी में आपके लिए कैसा प्रोडक्ट आता है। तो मैंने आईफोन 7 की भी वीडियो बनाई है और लाइक न्यू कैटेगरी की भी बनाई है, सुपर कैटेगरी की भी बनाई है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पर आपके लिए किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं जो आप कमेंट करते हैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूं, और अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। बेल आइकन को हिट कर दें जिससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं आप वीडियो को देख सके सबसे पहले। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं अपन किसी नए वीडियो में।